السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام خليل صاحب، कैसे हैं आप؟ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम लोग शुरू करते हैं। आज बच्चे वैसे ही नहीं होते। अच्छा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आयोनिक हाइड्राइड्स। ठीक है भाई, आयोनिक हाइड्राइड में हमने प्रिपरेशन भी पढ़ ली, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन हमने कल पढ़े, और हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम यूजेस की बात करते हैं, और यहाँ कुछ रीजन है उसकी बात करते हैं कि आयोनिक हाइड्राइड यूज कहाँ होता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले उसी के आगे हेडिंग आ जाएगी आपकी यूजेस की। आयोनिक हाइड्राइड यूज होता है दो पॉइंट्स है भाई, सिर्फ और सिर्फ। इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये सर यूज जी होता लिखना है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जी लिखना है ये। हाँ हाँ लिखना है, बिल्कुल लिखना है। इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं भाई? यार भूल जाते हो यार, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो, अस्सलाम वालेकुम सर। इटसेल्फ, वालेकुम अस्सलाम, इटसेल्फ क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, वो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी सामने वाले को रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, यानी खुद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, सामने वाले को बोलेंगे भाई गेन करो। ठीक है जी, वो कहलाते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा इसका यूज है कि इट इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्यों करते हैं हम हाइड्रोजन गैस को स्टोर? वजह क्या है कि हम आयनिक हाइड्राइड्स क्यों बनाते हैं? वालेकुम अस्सलाम। हम हाइड्रोजन हाइड्राइड इसलिए बनाते हैं भाई क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है हमारी, उसके दो बड़े मसले हैं। पहली बात तो वो गैस है, तो उसको मुझे स्टोर करने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। हाइड्रोजन एक गैस है, उसको स्टोर करने के लिए मुझे जगह ज्यादा चाहिए। अगर उस गैस को अगर मैं किसी तरह से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर दूं, तो वही गैस कम जगह पर हो जाएगी स्टोर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के बना लेते हैं आयोनिक हाइड्राइड, ताकि कम जगह पर स्टोर कर सके। और दूसरी बात भाई, हाइड्रोजन जो है ना, वो एक एक्सप्लोसिव गैस भी है। इसको ट्रेवल कराना वही बड़ा मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडस्ट्री को हाइड्रोजन गैस की जरूरत है, तो उसको ट्रेवल कराने के लिए वो क्या करते हैं कि आयोनिक हाइड्राइड दे देते हैं। बोलते हैं आप आयोनिक हाइड्राइड ले लो। जब आप आयोनिक हाइड्राइड को पानी में डिजोल्व करोगे ना, देख लो ये रहा रिएक्शन। जब हम आयोनिक हाइड्राइड को पानी में डिजोल्व करते हैं ना भाई, तो ये क्या बनाता है?
हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब भी आप क्या करते हो, आयोनिक हाइड्राइड को पानी में डिजोल्व करते हो ना, जब भी आप आयोनिक हाइड्राइड को पानी में डिजोल्व करते हो तो वो क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस। तो इसीलिए जो है वो हम इसको एज अ स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन गैस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है कि भाई ये एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी, ये एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, मैंने ये बात बताई कि रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं उन्हें जो खुद ऑक्सीडाइज हो और सामने वाले को रिड्यूस कराएं, यानी मतलब ये है कि वो खुद जो है वो लॉस करें और सामने जिसके साथ वो रिएक्शन कर रहे हैं वो गेन कर ले, उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनमें हमारे पास वो खुद रिड्यूस होंगे यानी खुद गेन करेंगे और सामने वाला लॉस कर रहा होगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा होगा, लॉस कर रहा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारे पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं, यानी अगर मुझे किसी रिएक्शन में रिडक्शन करानी हो तो मैं वहां पर आयोनिक हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है भाई। ये थे दो यूजेस, ये यूजेस ज्यादातर एमसीक्यूज में ही आते हैं भाई, ठीक है, यूजेस ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे इनकी, कि भाई इनकी रीजनिंग क्या है। सबसे पहला रीजन है कि व्हाई आयोनिक हाइड्राइड्स आर कॉल्ड ट्रू हाइड्राइड्स। ट्रू हाइड्राइड से मुराद, ट्रू का मतलब भाई सच्चे, ठीक है भाई, झूठे नहीं है ये, सच्चे हैं ये, सही असल यही है, इसके अलावा जितने भी हाइड्राइड हैं वो ट्रू नहीं है। तो ऐसी क्या वजह है कि हम इन्हें ट्रू हाइड्राइड्स कहते हैं? तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, हाइड्राइड्स की डेफिनेशन पे आता हूँ मैं आपके लिए, कि हाइड्राइड्स की डेफिनेशन क्या थी। हाँ भाई, रेड वाली, ये रही, द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इन विच हाइड्रोजन एक्ट एज एच नेगेटिव आइन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जिसमें एच क्या हो, नेगेटिव हो, उन्हें हम कहते हैं क्या, हाइड्राइड्स। अच्छा जी, अब आ जाओ नीचे कि भाई हम आयोनिक हाइड्राइड को ट्रू हाइड्राइड क्यों कहते हैं। मैं आयोनिक हाइड्राइड कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, मैं जरा नीचे लिखूंगा ताकि आप लोगों के लिए जो रीजन है वो लिखने में आसानी हो। जैसे NaH, KH, CaH2, इन सब के अंदर, इन सब के अंदर हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, माइनस। माइनस इन सब के अंदर प्लस, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, माइनस, ठीक है जी। सोडियम पे प्लस, पोटेशियम पे प्लस, और यहाँ +2, यानी ये वाहिद हाइड्राइड्स हैं जिनमें एच नेगेटिव है, ये वाहिद हाइड्राइड्स हैं जिनमें एच क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ट्रू हाइड्राइड्स कहते हैं। आयोनिक हाइड्राइड को ट्रू हाइड्राइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाहिद हाइड्राइड्स हैं जो हाइड्राइड की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं। और हाइड्राइड की डेफिनेशन क्या थी, कि द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इन विच एच एक्ट एज एच नेगेटिव, यानी हाइड्रोजन एज एच नेगेटिव आयन एक्ट करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स। और ये वाहिद आयोनिक हाइड्राइड्स हैं जिसमें एच क्या है, नेगेटिव, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रू हाइड्राइड्स कहा जाता है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ बात अच्छे क्लियर हुई होगी तुम लोगों की, तो मैं इसका आपको जवाब लिख देता हूँ। अमंग ऑल हाइड्राइड्स इट इज ओनली आयोनिक हाइड्राइड्स विच ट्रूली फुलफिल द
the definition of hydrides that's why बल्कि एक काम और करता हूँ ना इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना एक चीज और ऐड कर देता हूँ दैट इज इन आयोनिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन एक्ट एज H negative, hence they are called true hydrides. जो बात मैंने आपको उर्दू में समझाई वो अंग्रेजी में लिख दी अगला रीजन व्हाई आयोनिक हाइड्राइड्स आर कॉल्ड सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स आयोनिक हाइड्राइड को हम सॉल्ट लाइक यानी नमक जैसे नमक वाले हाइड्राइड्स कहते हैं क्यों भाई ये क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं तभी एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सॉलिड्स होते हैं सर इसलिए बिल्कुल 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 ऐसा ही है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं ना जब इसीलिए तो इनका क्या होता है एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास जो है वो एक अदद चलो एक और क्यूब बना लेता हूँ यार एक ठीक है भाई ये एक क्यूब बना लिया मैंने ये क्यूब थोड़ा सा लाइनें टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई भाई बनाते हुए वो स्लिप होता है हाथ बहुत अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaH Na पे पॉजिटिव चार्ज है और H पर नेगेटिव चार्ज है ठीक है भाई तो ये क्या करता है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है क्या बनाता है लैटिस बनाता है लैटिस किसे कहते हैं भाई कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सोडियम का प्लस चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ एच नेगेटिव होगा फिर एच को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या होगा एन ए पॉजिटिव होगा फिर एन ए पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या होगा एच नेगेटिव होगा ठीक है भाई फिर H को बैलेंस करने के लिए नीचे क्या होगा Na पॉजिटिव फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ H नेगेटिव फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ Na पॉजिटिव फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ H नेगेटिव तो इस तरह से ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा देखो ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा क्रिस्टल का जिसमें Na और H एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे होंगे बैलेंस कर रहे होंगे तो इस बैलेंसिंग की वजह से ये क्या बनाता है एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है और लैटिस स्ट्रक्चर जो बनाए उन्हें हम क्या कहते हैं सॉल्ट्स कहते हैं तो इसीलिए सारे आयोनिक कंपाउंड्स क्या हैं सॉल्ट्स होते हैं भाई जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे सॉल्ट्स होते हैं ठीक है जी तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं भाई सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स कहते हैं चलें इसको मैं थोड़ा सा और आप लोगों के लिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए
ये मिटा नहीं रहा मैं, इसी के नीचे यहां से लिख रहा हूं मैं इसका जवाब, और जवाब मैं लिखूंगा वो है हमारा के आयोनिक हाइड्राइड्स एग्जिस्ट इन टिपिकल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ एच नेगेटिव आयन विथ कैटाइन ऑफ 1A एंड 2A टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ द टाइप. कल मैंने बताया था 1A के लिए जनरल फॉर्मूला क्या था, MH. MH. MH2H. That is why these are called as salt-like or saline हाइड्राइड. ठीक है, इन्हें हम दो नामों से याद करते हैं, सॉल्ट लाइक और सॉल्ट लाइक या सलाइन हाइड्राइड्स. अच्छा, सलाइन का क्या मतलब होता है जरा बताओ. भाई बोलो ना यार, सलाइन का मतलब सुना है कभी? पढ़ा सलाइन, सलाइन वर्ड सुना है कभी? गूगल से सर्च करना पड़ेगा. अरे गूगल को छोड़ो ना, वैसे ही बताओ, सलाइन का वर्ड नहीं सुना कभी? जेली लाइक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई. सलाइन वाटर सुना है कभी? सलाइन वाटर? हाँ सर, सलाइन वाटर तो सुना है. सलाइन वाटर क्या होता है? सलाइन वाटर किसे कहते हैं? नमक वाले पानी को कहते हैं. ठीक है, किसे कहते हैं भाई? नमक वाले पानी को कहते हैं सलाइन वाटर. ठीक है जी, सलाइन का जो वर्ड है खारा पानी, वो खारा पानी, बिल्कुल. सलाइन वाटर खारे पानी को कहते हैं, यानी समंदर का जो पानी हमारा वो कौन सा वाटर है? सलाइन वाटर है. कौन सा वाटर है? सलाइन वाटर है. तो इसीलिए सॉल्ट्स के लिए एक नई टर्म और यूज कर ली हमने, सलाइन. तो इसीलिए हम इन्हें सलाइन हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं. ठीक है भाई, तो यहाँ हमारे आयोनिक हाइड्राइड के कितने नाम बने? आयोनिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है, एक नाम. दूसरा इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू हाइड्राइड्स. तीसरा इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट लाइक हाइड्राइड. और चौथा हम इसे क्या कहते हैं? सलाइन हाइड्राइड. पेपर में ना कभी भी आयोनिक हाइड्राइड के नाम से नहीं आया, हमेशा या तो ट्रू हाइड्राइड के नाम से आया है, सॉल्ट लाइक के नाम से आया, या सलाइन के नाम से आया. हमेशा जो है वो यही इसी तरीके से आया ही. कभी भी आयोनिक के नाम से पेपर में सवाल नहीं आया. इवन एमसीक्यूज भी आता है ना, अगर यहाँ से अगर एमसीक्यूज भी आ जाए यहाँ से, तो वो क्या करते हैं? सलाइन, सॉल्ट लाइक या ट्रू हाइड्राइड ही कहते हैं. क्लियर है भाई यहां तक बात? आप लोगों ने सुना होगा डीसेलिनेशन का नाम सुना होगा. डीसेलिनेशन कभी सुना है? इस प्रोसेस का नाम बेटे, यहाँ नेट का बड़ा मसला चल रहा है आज. नहीं सर, कभी सुना नहीं है. एक मिनट जरा यार, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ. ये जरा नेट की वजह से स्क्रीन चली गई है.
हाँ भाई हाँ बेटे आवाज आ रही है अब। हाँ सर अब आ रही है। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि डीसेलिनेशन प्रोसेस क्या है। डीसेलिनेशन प्रोसेस भाई हमारे पास जो है वो कहलाता है कि अगर हम समंदर के पानी को, ठीक है भाई, पीने के पानी के काबिल बनाएं तो उस प्रोसेस के लिए एक प्लांट लगाया जाता है जिसे डीसेलिनेशन कहते हैं। डीसेलिनेशन का मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल और सेलिनेशन का मतलब होता है सॉल्ट, तो रिमूवल ऑफ सॉल्ट को कहते हैं डीसेलिनेशन। तो यानी सलाइन का वर्ड इस्तेमाल हुआ किसके लिए, सॉल्ट के लिए, ठीक है भाई। और हमारे पास चार नाम हो गए आयोनिक हाइड्राइड का, आयोनिक हाइड्राइड, ट्रू हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड, ठीक है। क्लियर है भाई। एक रीजन और रह गया और वो रीजन है, और वो रीजन आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि वो डिस्कस करेंगे। और वो रीजन कैसे डिस्कस करना था भाई, हमने डेफिनेशन थी हमारी ये रही। हाँ भाई यहाँ हमने एक बात कही थी कि भाई यहाँ पर बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं है शामिल। अब ये क्यों नहीं है शामिल, उसका ये रीजन भी था, मैंने आपको बताया। ये रहा एक रीजन तो ये रहा ना इसका कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये कौन से हाइड्राइड्स बनाते हैं, आयोनिक नहीं बनाते जबकि कोवेलेंट या पॉलीमेरिक बनाते हैं। तो मैं अभी इस पे भी आ जाता हूँ, यहाँ हम रीजन लिख लेते हैं। व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट इंक्लूडेड इन आयोनिक हाइड्राइड्स, के बेरिलियम और मैग्नीशियम आयोनिक हाइड्राइड्स में इंक्लूड क्यों नहीं है। तो अब इसका रीजन लिख लेते हैं हम कि भाई बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए ये आयोनिक नहीं जबकि कौन से बनाता है, कोवेलेंट बनाता है, ठीक है भाई। आयोनिक नहीं बनाता, कौन से बनाता है, कोवेलेंट बनाता है। तो इसकी भी वर्डिंग लिख लेते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम इज 1.5 एंड मैग्नीशियम इज 1.2। मैं अजान हो रही है, म्यूट कर रहा हूं, जब तक मैं लिख रहा हूं आप लिख लो।
हाँ जी, तो हमारे पास मैंने रीजन लिखा यहाँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की कितनी है 1.5 और मैग्नीशियम की कितनी है 1.2। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो हाइड्रोजन की जो है वो है 1.2.2। ठीक है, अब दोनों से डिफरेंस निकालते हैं, 2.2 माइनस 1.5 जवाब बचता है 0.7, और 2.2 माइनस 1.2 करते हैं जवाब बचता है 1.0। 1.0 और 0.7 दोनों जो है वो वैल्यूज बहुत कम है, और आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1.7। तो ये 1.7 के बिल्कुल आसपास भी नहीं है, तो इसीलिए ये आयोनिक नहीं, जबकि ये क्या बनाते हैं, ये बात यहाँ लिखी है कि हमारे पास देयर फोर दीज एलिमेंट्स आर नॉट हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव से मुराद ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते, किसको, हाइड्रोजन को। इसीलिए ये आयोनिक बॉन्ड की जगह क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आयोनिक हाइड्राइड का आखिरी रीजन कि भाई बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो क्यों आयोनिक नहीं बनाते, ड्यू टू देयर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आसान लफ्जों में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, इसीलिए ये आयोनिक नहीं, जबकि क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बनाएंगे। ठीक है भाई, कोई सवाल? कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अभी हमारे पास है तकरीबन कोई 10 मिनट है, तो मैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स शुरू कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्या भाई, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। क्या होते हैं भाई कोवेलेंट हाइड्राइड्स, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। सीधी सी बात भाई, कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होंगे जो क्या बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बना दे भाई। चले भाई एक बात, अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनता कब है, कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनने की क्या है भाई, के दोनों क्या हो, नॉन मेटल। नॉन मेटल हो। ठीक है जी, दोनों नॉन मेटल होंगे तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कब है, कोवेलेंट बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है भाई, यानी आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली और बॉन्ड बना लिया और अपने ऑक्टेट को मुकम्मल कर लिया तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक से क्या होता है, वीक होता है। जिस तरह हमने ये बात कही थी कि आयोनिक कंपाउंड जो है ना वो क्या होंगे भाई, वो होंगे ही सॉलिड, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कोवेलेंट कंपाउंड में तो भाई गैसेस भी हैं, कोवेलेंट कंपाउंड में लिक्विड भी है, और कोवेलेंट कंपाउंड में सॉलिड भी है। जैसे पानी लिक्विड है, अमोनिया गैस है, और सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सिलिका के कंपाउंड्स जो हैं या कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं। तो हमारे कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, और कुछ जो है वो गैसेस होती है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमारे यहाँ दोनों तरह की चीजें पाई जाती हैं, ये सॉरी तीनों तरह के कंपाउंड्स हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस, जबकि आयोनिक कंपाउंड फिक्स है कि भाई सॉलिड होगा। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा था जबकि कोवेलेंट का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट में अगर सॉलिड होगा तो वो सॉलिड बहुत ही लो मेल्टिंग होगा, अगर लिक्विड होगा तो लो बॉइलिंग होगा, और गैसेस में तो बॉइलिंग मेल्टिंग की तो कहानी ही नहीं है। सही है भाई, तो अब आते हैं कि कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते कौन है। कोवेलेंट हाइड्राइड बनते हैं हमारे किसके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। अब पी ब्लॉक में हमारे कितने ग्रुप थे जरा बताओ, पी ब्लॉक में हमारे कितने ग्रुप्स थे। किसी को याद नहीं है क्या? पी ब्लॉक में हमारे 6 ग्रुप्स थे। ठीक छे छे है भाई, 6 ग्रुप्स थे,
3a से लेकर 8a तक, ठीक है, 3a से लेकर कहां तक था, 8a तक था। बट कोवेलेंट हाइड्राइड भी बनाते तो पी ब्लॉक ही है, कोवेलेंट हाइड्राइड ही बनाते, कौन है, पी ब्लॉक, बट ग्रुप 3a से लेकर सिर्फ कौन बनाते हैं, 7a वाले बनाते हैं, 8a के कंपाउंड्स बनते ही नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ 8a को डिस्कस करते भी नहीं है। ठीक है भाई, मैं यहाँ आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ और मैं आपको यहाँ पूरी कहानी बता भी देता हूँ। ठीक है भाई, हमारा जो, मैं यहाँ हाईलाइट कर दूंगा कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और ये, ठीक है भाई, ये बनाते हैं आयोनिक। फिर यहां से लेकर कोई अच्छा कलर भी नहीं है यार, ये जो है हमारे ये वाले ग्रुप, जूम करता हूं मैं, ये रहा, ये है 3b, सॉरी 3a, 4a, 5a, 6a और 7a, ये पांच जो ग्रुप है हमारे पी ब्लॉक के, ये बनाते हैं हमारे क्या, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, और ये है हमारा 8a, 8a को तो हम कहते ही कौन सी गैसेस हैं, नोबल या इनर्ट गैस कहते हैं ना भाई इन्हें, तो इसीलिए ये रिएक्ट ही नहीं करती, नॉन रिएक्टिव हैं तो ये कंपाउंड ही नहीं बनाती, तो इसीलिए कोवेलेंट हाइड्राइड जो है वो हमारे पास, वो बनाते हैं कौन से ग्रुप, 3a से लेकर ग्रुप 7a तक के कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन के कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो डेफिनेशन अगर मैं लिखूं कोवेलेंट हाइड्राइड्स की, तो डेफिनेशन क्या होगी, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ ग्रुप विथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3a to 7a आर कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है भाई, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। मैं यहाँ पे इस बात को रोक रहा हूँ क्योंकि भाई 2 या 3 मिनट रह गए हमारे, तो वो है कि बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। पेपर में आयोनिक हाइड्राइड से मुतालिक जो सवाल आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोवेलेंट की सिर्फ डेफिनेशन लिखवा दी मैंने कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं। मैं अभी पूरी फाइल आपको एज इट इज भेज दूंगा, अगली क्लास में हम कोवेलेंट से शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो आज हमने आयोनिक मुकम्मल किया, कल इंशाल्लाह यानी अगली क्लास में कोवेलेंट मुकम्मल करेंगे। कल शायद एक्स्ट्रा क्लास लूँ मैं, तो अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी तो ग्रुप पर मैसेज आ जाएगा कि भाई एक्स्ट्रा क्लास इतने बजे। सर, वो एक्स्ट्रा क्लास का आपको कुछ बोलना था, टाइम का ना दोपहर में रखूंगा ना, थोड़ा सर सुबह हो सकता है कितने सुबह सर, 12 बजे जाना है। यार, मसला ये है कि एप्टीट्यूड की भी क्लासेस चल रही हैं और एप्टीट्यूड की क्लास हाँ खत्म ही सर, 2 बजे होती है, हाँ ये ये भी मसला है है। सर, सही है ना, मैं पहले बारह बजे मैं चला जाऊंगा। सर हसन और मिस फिजा से पूछ लेता हूँ कि उनकी क्या टाइमिंग वगैरह का शेड्यूल है, नहीं तो वरना पता है क्या करूंगा, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे में से किसी एक दिन ले लूंगा, हाँ सर, ये भी सही है, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबल है, वेनेसडे को अगर हो जाए तो वेनेसडे और अच्छा होगा। कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी वेनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे में किसी और कोचिंग में पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ क्लासेस मेरी होती हैं, अच्छा तो वहाँ मुझे 2:30 से पढ़ाना होता है, तो इससे पहले अगर कोई टाइमिंग हुई ना तो मैं उसमें क्लास रख लूंगा। ओके सर, बाकी देख लें, अगर सुबह के टाइम कल हो सकता है 12 बजे से पहले तो फिर वो। 12 बजे से पहले? जी, अबे इतना जल्दी तो मैं भी नहीं उठता भाई। 12 बजे तो मैं चला जाऊंगा ना सर। चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। कहाँ जाना है बेटा, आप कहाँ जाना है, चलो अल्लाह मालिक है, कल्चर देखते हैं। डे ठीक है जी, जिसको चलो इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह मालिक है। चलना है रैली का इनविटेशन मैं दे रहा हूँ।
चलो ठीक है, इंशाल्लाह कल देखते हैं क्या अपनी होगा। रैली है सर, मैं इंशाल्लाह मैसेज करवा आइएगा आप दूंगा भी। बेटे, ठीक है। जी ओके सर, चलो सही, अल्लाह क्लास एंड कर हाफिज, रहा हूँ मैं, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।